हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। लो फांक लो। नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? महालसापति, निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है मां। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। माँ और तुम्हारी, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने ये कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। चले जा, यह तुम्हारी मां नहीं है, चले जाओ यहां से। मां, ये क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ।
आज मालिक मुझसे नाराज है। मां के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना। आप उदास मत होइए साइना, मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहां आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है ना, ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बायजा बाई ने ठीक ही तो कहा साईनाथ, लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है मालसापति। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। बायजा बाई को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा साईनाथ। मालसापति, मां कभी गलती नहीं करती, गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है। मां के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने मां के जरिए मुझे डांटा है। साईनाथ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि मां खुश है तो मालिक खुश है। मां के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और मां के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। और मां की आंखों से आंसू निकलने का मतलब है जिंदगी में प्रलय आना। मां, किसका इंतजार कर रही हो? साईं बाबा बाहर नहीं है। मैं साईं बेटे का इंतजार नहीं कर रही हूँ। साईं बेटा? तुम्ही ने तो बाबा से कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है। तात्या, तो फिर ये साईं बेटा कहाँ से आ गया? तात्या, अपनी माँ को ताना मार रहे हो? कायरे, इतने बड़े हो गए हो, चल खाना खाने आ जा। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम बाबा को अपना बड़ा बेटा नहीं कहोगी। ठीक है, मत खाओ, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ? यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं,
उठाएगा, जिद करेगा। ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। माँ क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ राधा? क्या बताऊं बाईजा, आज का दिन शिरडी के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। क्या गुरुजी? मैं भी साईं बाबा का इंतजार कर रहा हूँ भाईजा भाई, कुछ घंटों से हूँ यहाँ। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं आए। शायद नानावली जानता हो। मासापति जी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है बाबा हम लोगों से रुक के कहीं चले गए। नानावली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, साईं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बिना मुझे बताए शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते साईं बाबा। तो कहाँ चले गए? पूरी शिरडी में देखा, कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं मिले ही नहीं। वह जी, आखिर वो साईं बाबा डरकर शिरडी से भाग ही गया। राम राम राम, लगता है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि आप उसकी शिकायत आयकर ऑफिसर से करने वाले हैं। साईं का मालिक आयकर ऑफिसर। राम राम। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो भाईजा। नहीं, तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम ही ने उन्हें ठुकराया है भाईजा। नहीं, साईं बाबा मालिक हैं, सबके माई बाप हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी माँ माना और तूने अपना बेटा मानने से उन्हें इनकार कर दिया। क्या ये उनका अपमान नहीं था? चले गए, गए वो। तुम शिरडी में रहने वाले सभी लोगों की अपराधी हो भाईजा। हाँ। लेकिन साईं बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या मंदिर छोड़कर भगवान भी कभी जाते हैं? साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा। बाबा मुझे माफ कर दो साईं बेटे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और अपनी माँ को माफी दूँ? नहीं माँ, ये आंसू पोछ लो, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भिकाजी का खंडू भी नहीं और बाईजा माई का साईं बेटा भी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी मां नहीं है। खंडू जैसा छोटा बच्चा भी बोल गया मुझे कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं मां, मेरे पास मां है, मेरा छोटा भाई है। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है,
लेकिन अकेला रह नहीं सकता, उसे साथ ही चाहिए, परिवार चाहिए। तो फिर तुम शिरडी छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं कहां शिरडी छोड़कर गया था माँ, मैं तो यहाँ एकांत में अपने गुरु के ध्यान में लगा हुआ था, इस पेड़ के नीचे। साईं बेटे, तुम्हारे गायब होने के लिए सभी ने मुझे दोषी ठहराया। चलो शिरडी चलो। हाँ, हाँ, चलो। जी, कहीं वो ढोंगी साईं शिरडी में वापस तो नहीं आ गया? अरे राम 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 राम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के शिरडी में आते ही लोगों ने उसकी आरती उतारी और उसे द्वारिका माई में ले गए। लेकिन आप जब हवालात से बाहर आए थे तो आपको गधे पे बिठाकर जुलूस निकाला था। अरे चुप करो गधो, नहीं तो मैं तुम्हें लाती मारूंगा। राम राम राम। इंसान की जिंदगी क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात बहुत से ऐसे शत्रुओं से होती है जो उसकी यात्रा को सफल होने देना नहीं चाहते। इंसान की यात्रा का एक ही मकसद होना चाहिए, मालिक की कृपा का भागी बनना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष विचित्र है और विचित्र इसलिए है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं फूल पत्ते आदि सब कुछ नीचे की तरफ है। ऊपर मालिक है और हम नीचे। हमें मालिक को पाने के लिए मालिक की तरफ जाना चाहिए, ना कि उससे दूर। हमें फासले मिटाने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। जब इंसान इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो, मालिक की भक्ति करो,
अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक एक। आओ श्याम सुंदर, देखो ये आश्रम मैंने बनाया है। श्याम सुंदर, यहाँ के आश्रमवासी खुद का खाना पानी खुद की मेहनत से कमाते हैं। यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, खेत है, जहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ उगाते हैं। खुद कमाओ खुद खाओ, ये इस आश्रम का नारा है। क्यों श्याम सुंदर, इस आश्रम की देखभाल कर सकोगे तुम? ये श्याम सुंदर दिल का अच्छा है। आश्रम वासियों के प्रति उसके दिल में कितनी हमदर्दी है। कैसे भागकर उसने उस अंधे को सहारा दिया। एक ही कमी है उसके अंदर, बेचारा गूंगा है। भगवान, आप ही ने हमें श्याम सुंदर जी के कोर्ट से मिलवाया है। अब आप ही हमें इस कोर्ट के मालिक से मिलवा दीजिए। भगवान, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन भगवान अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने किए पे पछता रही हूं। आप बस हमें श्याम सुंदर जी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, कृपा कीजिए भगवान। भगवान, बस उनकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने आज तक उन्हें बहुत दुख दिए हैं, अब मैं सुख देना चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस श्याम सुंदर जी चाहिए, बस श्याम सुंदर जी चाहिए। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। सबका मालिक हे। छोटू के बच्चे, हजार बार मना किया है ना कि साइकिल को नहीं छूना, क्यों छुआ तुमने मेरी साइकिल को? अब क्या हुआ साइकिल के साथ? फिर से बिगड़ गई दीदी। माँ, बाबूजी, अभी मजा चखाती हूँ। हजार बार बोला है ना मैंने कि साइकिल को नहीं छेड़ना, फिर भी क्या हुआ? देखिए ना, इसने फिर से मेरी साइकिल तोड़ दी। ओहो, अब क्या बात हो गई है? तोड़ी नहीं है बाबूजी, अपने आप तोड़ गई। बाबूजी, इसे मैंने कितनी बार मना किया है फिर भी नहीं सुनता। अब आज मैं साइकिल कैसे चलाऊंगी? कौन ठीक करेगा मेरी साइकिल? श्याम सुंदर, ये साइकिल तुम ठीक कर सकोगे? साइकिल और बांसुरी में बहुत फर्क होता है श्याम सुंदर।
ये क्या पाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारी और इनकी भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिसमें हम दोनों के दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50,000 रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल। श्याम सुंदर कितना कामचोर है, साइकिल ठीक करना छोड़कर बांसुरी बजा रहा है। जल्दी तुमने साइकिल ठीक कर दी, ये काम भी तुम्हें आता है? क्या बताऊं तुम्हें, ये काम सिखाने वाले मुझे रामलाल भाई साहब मेरे पिता समान हैं, जिनको मैंने बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख, और अब मैं खुद दुखी हूं। बांसुरी बजाने वाला जब बांसुरी में प्राण फूंकता है तब बांसुरी से सुरीले स्वर निकलते हैं, लेकिन अगर बांसुरी बजाने वाला बेसुरा हो तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, पति पत्नी का सुर जब लग जाता है तो जिंदगी सुरीली होती है और दोनों में सुर बेसुरा हो जाए तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बांसुरी बेसुरी ना हो ये अपने हाथ में है, उसी तरह जिंदगी बेसुरी ना हो ये भी अपने हाथ में है। सबका मालिक एक। कुटिल है वो साई वैद्य जी, महाकुटिल। पहले तो उसने गायब होने का नाटक किया, फिर द्वारिका माई में प्रवचन देते हुए इस बात पर खास जोर दिया कि पैसे की खोज मत करो, मालिक की खोज करो। सबका मालिक एक। जानते हैं द्वारिका नाथ जी, उसका संकेत हमारी तरफ ही था। बिल्कुल वैद्य जी, वो चाहता ही नहीं है कि हम उसके पैसों की खोज करें। तो क्या अब हम विका जी के खेत में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। अरे मूर्खो, इसीलिए तो द्वारिका नाथ जी ने भिका जी के ससुर के नाम का खत लिखवा कर उसके परिवार को गांव के बाहर भेज दिया, ताकि हमें उसके खेत में जाने से कोई रोके ही ना। तो देर किस बात की, अभी चलते हैं खेत पे। नहीं। सूर्यास्त के पास। चलिए वैद्य जी, ये सारा खेत अब हमारा है। हाँ हाँ द्वारिका नाथ जी, और इस खेत में छुपाया हुआ धन भी हमारा है। हमारा भी है। हाँ, वो तुम्हारा भी है। चलो चलिए चलिए। हाँ
साईनाथ। हाँ? नींद नहीं आ रही। इंसान की दुर्दशा देखकर मन बेचैन है मालसापति। उसके पास पैसा नहीं होता तो वो उसे पाने के लिए अपना सुख चैन भूल जाता है, और जब पैसा होता है तो उसे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ये लालच उसे चैन नहीं लेने देता। और गहरा खोदो। अरे धन यही छिपा है। हाँ हाँ जल्दी खोदो। अरे क्या थक गए मूर्ख कहेंगे, जल्दी खोदो। अरे पैसे से ज्यादा कीमती मन की शांति है, ये कोई नहीं जानता। और पैसे से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, है ना साईनाथ? बच्ची आवाज आई। धन का अंडा यहीं छिपा है। अरे ढूंढू डगड़ू मूर्खो, अरे देख क्या रहे हो। अरे उस हंडे को बाहर निकालो। अरे जल्दी मूर्खो। अरे द्वारिकानाथ जी देख रहे हैं आप मुझे। अरे धन के मिलने की कल्पना से मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे मूर्खो जल्दी आओ। अरे बाहर निकालो निकालो निकालो। अरे राम राम राम। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो। बहुत वजन है। हाँ भारी तो होगा ही द्वारिकानाथ जी। अरे बहुत धन मिलेगा इसमें। अरे मूर्खो पत्थर क्यों बाहर निकाल रहे हो, धन कहाँ है? जी, साईं भी हमारी तरह बुद्धिमान है। उसने सोचा होगा कि कहीं कोई जांच ना कर ले, इसलिए हांडे में ऊपर ऊपर पत्थर भर दिए। अरे राम 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 राम। ढोंगी साईं अकलमंद है। नीचे धन होगा। हाँ निकाल निकाल। ये इसमें कुछ नहीं है। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, हम यहाँ पत्थर ढूंढने आए थे। मुझे लगता है वैजी, हमें गुमराह करने के लिए साईं बाबा ने कोई नई चाल चली है। एक हांडा पत्थरों से भर के यहीं गाड़ दिया ताकि बाकी हांडा कोई निकाले ही ना। अच्छा, लेकिन हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम पूरा खेत खोद डालेंगे। जो पत्थर और पैसों में कोई फर्क नहीं समझता, वही लगन से मालिक की भक्ति कर सकता है। उसे संसार की कोई चीज मोह में नहीं डाल सकती। वो कभी विकारों के अधीन नहीं हो सकता है। लेकिन जो पैसों के लालच में फंस जाता है, वो इस मोहमयी दुनिया में भटकता रहता है। उसके दुखों का कोई अंत नहीं। अरे राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे मैं एक साधारण सा वैद्य हूँ। उंगली से दवा बना के बीमारी भगाता हूँ। लगता है आज मैं खुद बीमार हो जाऊंगा। वैजी, आप अगर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? उठिए, जब आप धन से भरा हांडा देखेंगे तो आपकी सारी थकान, सारे दुख, सारी तकलीफें सब दूर हो जाएंगी।
थोड़ा सब्र रखिए, हिम्मत कीजिए, चलिए। दंडू, द्वारकानाथ जी सब्र रखने को बोल रहे हैं। दंडू, मुझे तो लग रहा है कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमेशा के लिए सब्र करने का वक्त आ गया है। अरे अरे द्वारकानाथ जी, ठंडा है वहाँ, उसमें धन है। अरे अरे जल्दी कीजिए। अरे राम राम। अरे रुकिए द्वारकानाथ जी, रुकिए। हाँ निकालिए निकालिए। अरे अरे भगवान, मुझे मुझे। अरे राम राम, अरे मिट्टी हटाइए। अरे अरे आजा। द्वारकानाथ जी, इतने इतने धन से तो मैं पूरी शिरडी को खरीद लूंगा। और मैं भी। मैं जी खुलिए खुलिए खुलिए। आंख बंद करके नाच क्यों रही है? वो नाच नहीं रही है, उसे नचाया जा रहा है। मतलब लोगों की धारणा है कि उस औरत में देवी का संचार हुआ है, इसलिए वो अपने आप में नहीं है। नजर थोड़ी चली जाती है। अब एक मिनट रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ, हम पानी से आँख धोलेंगे, आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। अब एक मिनट रुकिए। निर्मला, निर्मला। माँ, माँ रुकिए, माँ, माँ दिखाइए, माँ। हम जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है। जो कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल हमें मिलता है। सब कुदरत के इस नियम को जानते हैं, फिर भी बुरे कर्म करने से डरते नहीं हैं। आप दूसरों के रास्ते पर कांटे बिछाएंगे तो कभी ये आशा मत कीजिए कि आपके रास्ते पर कोई फूल बिछाएगा। आपको भी कभी ना कभी कांटों के रास्तों पर चलना होगा। आई माँ, माँ,
डॉक्टर साहब। गुलाल आंखों में जाने से इनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन डॉक्टर मैं देख तो सकूंगी ना? हाँ? इलाज करना होगा तो करिए ना इलाज, करिए करिए ना इलाज। इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए होंगे। 200 रुपए? आप 200 रुपए अस्पताल में जमा करवा दीजिए, फिर आप मुझसे आकर मिलिए। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। देविका जी, मनीषा जी, छोटे लोग ऊंची आवाज में नहीं नीची आवाज में बोलते हैं। आप पर कोई मेहरबानी करे और आपका गुस्सा भी सहे। वाह, वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे पति की आंखों के इलाज के लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे 200 रुपए दे दीजिए। जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। रुकिए। सबका मालिक एक। इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या करता है, और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ से प्रेरित होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता। सबका मालिक एक। बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। सुंदर, अति सुंदर, सभी आश्रमवासी तुमसे कितने खुश हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। इस अंधे को कोई खाना खिलाएगा? हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। भैया, कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है। हमें कोई खाना हमें दे कोई दो। खाना देगा? पेट में भड़कने वाली भूख यज्ञ की अग्नि के समान होती है। उसमें जब भोजन की आहुति दी जाती है तब भोजन खिलाने वाले को यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भूखे को खाना खिलाता है वो मुझे ही खाना खिलाता है। मैं हर प्राणी मात्र में समाया हुआ हूं। जो हर प्राणी में मेरे दर्शन करता है वो मुझे प्रिय है।
हे रामलाल भाई साहब के बाबा, मेरे भाई साहब मनीषा भाभी और राजेंद्र जहां कहीं भी हो, कुशल से हो, स्वस्थ हो, खुश हो। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमारे कर्मों के फल अच्छे या बुरे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जो पीड़ा दुख कष्ट हमारे हिस्से में आते हैं वो हमें सहन करने ही पड़ते हैं। ये तूफान तो बढ़ते ही जा रहा है, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मनीषा, और मुझे लगता है मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगा। आप चल सकते हैं। अपने आप को बुद्धिमान शक्तिमान समझने वाले इंसान को ऐसा तूफान संकेत देता है कि अपने अहंकार को त्याग दो और मालिक के चरणों में शरण ले लो। फिर बड़े से बड़े तूफान से, माया मोह से भरे इस भवसागर से भी पार हो जाओगे। सबका मालिक एक। राजेंद्र के पिताजी, 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 चल बेटा पिताजी को ढूंढते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कोशिश कर, मैं लेकर चलती हूँ। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस थोड़ी दूर और। आराम से, जरा संभल कर। भैया, मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं, वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ, जब तक तुम नहीं आओगी इसका ध्यान मैं रखूंगा। मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ, अपना ख्याल रखना। मनीषा, 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 राजेंद्र, 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 रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। कौन, किसने रोका मुझे? इसका मतलब है मैं एक चट्टान पे खड़ा हूं और नीचे गहरी नदी है। बाबा, ये तुमने मेरी क्या हालत बना दी है बाबा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तो बाबा मनीषा राजेंद्र की फिक्र है। Thank you.
होता है उसे सहारा देकर संभाला जा सकता है, लेकिन जो अपनी और दूसरों की नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। नजरों से गिरना मतलब दूसरों का विश्वास खो बैठना, आदर खो बैठना और अपना खुद का विश्वास डगमगा जाना। और गिरकर उठने का मतलब है फिर से आदर सम्मान पा लेना, अपने लिए फिर से लोगों के दिल में अपना विश्वास पैदा कर लेना और खुद का आत्मविश्वास भी बुलंद हो जाना बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। जो झूठ से दोस्ती करते हैं वो अक्सर लोगों की नजरों से गिरते हैं, और जो सच का साथ नहीं छोड़ते उन पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। जहां सच है वहां विश्वास है, सफलता है, दिव्यता है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वही मालिक है। ऐसे लोग गिरकर भी उठते हैं क्योंकि मालिक उनका साथ देता है। आएंगे मनीषा, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं मनीषा। हे बाबा, मनीषा और राजेंद्र की रक्षा करना बाबा। अरे राम राम राम, अब भी तुम दोनों का दिमाग कच्चा है। अरे कोते पाटिल का बच्चा, रुको जरा। तुम कोपर गांव जाने वाले थे ना? हाँ, सुना है कलेक्टर साहब कोपर गांव में आ गए हैं। हाँ, और वहाँ बाजार भी लगने वाला है। अपने शिरडी के लोग भी तो जाने वाले हैं। मैं नहीं जा सकता वैद्य जी। क्यों? बाबा ने अब तक इजाजत नहीं दी है। साई बाबा ने क्यों इजाजत नहीं दी तात्या? क्यों? पता नहीं। तुम्हें पता है कलेक्टर साहब बार बार कोपर गांव नहीं आएंगे है, फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? अरे भाई, जमीन जायदाद का मामला है, क्यों वैद्य जी? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता ना तात्या, तो बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत लिए कोपर गांव जाकर कलेक्टर साहब से मिलता। हाँ। तात्या, तुम द्वारकानाथ जी की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, हाँ, ये तुम्हें बहका रहे हैं। हमने जब जब द्वारकानाथ जी की बात मानी हमें मुंह की खानी पड़ी, कभी कभी तो मुंह पे खानी पड़ी। अरे चुप कर, बकवास बंद कर मूर्ख, कहीं के नहीं तो मेरी जूती खानी पड़ेगी, समझे? तात्या, तुम साईं बाबा की बात मानो और जाओ। हाँ, जाओ, 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 जाओ। राम राम नलायक गधे। बेटी, हमने फैसला किया है, हम सच का साथ देंगे। हाँ, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। द्वारिका नाथ जी, इन दोनों को हुआ क्या है? होना क्या है वैद्य जी, दोनों काम से गए। वैद्य जी, हमारी बात मानिए, आप भी सच का साथ दीजिए। अरे बंद करो तुम्हारा तर्क, ना लायको गधो। अरे अरे, हम दोनों सच ही तो बोल रहे हैं। सच ही बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं हम कभी। अच्छा, तो अब ये छाता भी बोलेगा सच सच, बंद हो जाएगी तुम दोनों की पच पच। ये लो, साईं बाबा, आज आपकी कृपा से
हमारे भविष्य में होने वाला अंधकार दूर हो गया है। हम पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईं बाबा की उदी लीजिए। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आपकी बेटी को बहुत अच्छा वर मिलेगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो भी काम कहेंगे मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी निर्मला। क्या तुम शादीशुदा हो? बोलती क्यों नहीं? जी मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी श्याम सुंदर। श्याम? श्याम वो क्या वो गूंगा है? हाँ जी नहीं, मेरे पति गूंगे नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रखते हैं। आप लोग बहुत दयालु हो। नहीं ठीक है ठीक है, जाओ कंचन बेटा जरा काम समझा दो। शुक्रिया। लक्ष्मी की माँ, जल्दी जल्दी आटा पीस लो, खाना बनाना है ना। प्रणाम बाबा। अरे तात्या, कहाँ थे इतने दिन? खेती के काम में लगा हुआ था बाबा। तात्या बड़ों जैसा काम करने लगा है बाबा। हाँ बाबा, बाबा कोपर गांव में बाजार लग रहा है। हाँ कलेक्टर साहब भी वहाँ आने वाले हैं। जमीन जायदाद के कुछ काम के लिए मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं कोपर गांव जाऊं ना बाबा? पर मैंने तुम्हें मना किया था ना? काम जरूरी है बाबा। नहीं, चाहे कितना भी काम जरूरी हो तुम शिरडी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन बाबा मना किया ना मैंने, नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो श्यामा को अपने साथ ले जाओ। बाबा जो कह रहे हैं वही करो तात्या। लगता है बाबा तात्या को अच्छा नहीं लगा। सबका मालिक एक। पता नहीं वो कहां होंगे, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूं। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ, कौन देगा उन्हें सहारा। अरे
बाबा। अरे देखो पानी में कौन गिर गया। अरे देखो तो, हाँ लगता है कोई गिर गया है। अरे कोई बचाओ उसे। अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। का कौन? कोई नजर तो नहीं आ रहा। पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी। राजेंद्र के पिताजी। राजेंद्र के पिताजी। राजेंद्र के पिताजी। तो उनकी पगड़ी है। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। शादी के समय अग्नि को साक्षी बांधकर मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी। सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है। ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। काय रे तात्या, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ माँ, मैं कोपर गांव जा रहा हूँ। कोपर गांव? साई बेटे ने तुम्हें इजाजत दे दी? नहीं, बाबा ने मना किया है। फिर भी तुम जा रहे हो? क्या करूँ माँ, नासिक में जब कलेक्टर साहब आए थे तब मैं बाबा के कहने पे ही उनसे मिलने नहीं गया। इस बार भी अगर मैं उनसे नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कानूनी काम वैसे भी वक्त पर ही होने चाहिए। इस बार अगर मैं कलेक्टर साहब से नहीं मिला फिर ना जाने कब मिल सकूंगा। मैं होनी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे टालने की कोशिश जरूर करता हूं। किसी का प्रारब्ध बदलना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, चिंता जरूर करता हूं। अपने भक्तों की, उनकी सुरक्षा के लिए बेचैन भी रहता हूं। भक्त कहीं भी हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। क्यों ढोंडू दगड़ू? उतर गया सच्चाई का नशा? राम राम राम, ये क्या है? आपने बात मारा। क्या आपने मारा? थोड़ा
सर से निकला फोड़ा। आपने की पूजा, मेरा वोट सूजा। अब मूर्खों बताओ स्वर्ग कहाँ है? आपके चरणों में। कभी कभी झूठ बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब समझा मैं सच्चाई की राह पे चलना कितना मुश्किल है। अरे वैजी उधर देखिए, वो देखिए कौन है, तात्या नजर आ रहा है। द्वारिकानाथ जी, तात्या तो साईं की बात ना मानकर कोपर गांव जा रहा है। वहां जाकर कलेक्टर साहब से मिलेगा। अब सही समय आ गया है उस साईं बाबा के खिलाफ प्रचार करने का। वो कैसे द्वारिकानाथ जी? वो साईं बाबा बहुत चालाक है, अपना महत्व कैसे बढ़ाना चाहिए अच्छी तरीके से जानता है। वो सबको यही कहता है कि उसकी इजाजत के बगैर शरीर से बाहर कोई न जाए। हैं? लेकिन तात्या तो साईं की इजाजत के बगैर कोपर गांव चला गया। वैजी, अब जब तात्या कलेक्टर साहब से मिलकर सही सलामत शिरडी लौट आएगा, तब सब जान जाएंगे साईं बाबा का पाखंड। फिर ना कोई उसकी आरती उतारेगा, ना भक्ति करेगा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रह कर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। कुछ लोग हैं जो मालिक पर विश्वास नहीं करते, अहंकार के अधीन होकर कहते हैं वो जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि करने वाला वो मालिक है। कुछ लोग अपने कष्टों के लिए, दुखों के लिए मालिक को जिम्मेदार मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके अपने कर्मों के फल हैं जो उन्हें भोगने पड़ते हैं। जब हम मालिक के इशारे को, मालिक के संदेश को समझते ही नहीं, तो मालिक को दुख होता है। साईं, मैं जान गई तुम्हारा इशारा तात्या की तरफ है। तात्या ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, इसके लिए तुम नाराज हो। साईं, तात्या को माफ कर दो। मैं नाराज नहीं हूं मां, मुझे तात्या की फिक्र लगी है। अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी, दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी सब जानते हैं मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूं साईं बाबा। हमारे लिए तो एक आप ही हैं,
हम पर दया रखिए साईनाथ। आप अनाथों के नाथ हैं, अब दुखहर्ता हैं, तारणहार हैं, आप ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए साईनाथ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बेटी, दीनानाथ भीमाजी पाटिल के दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके दुखों का पीड़ाओं का अंत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इस द्वारिका माई का स्वामी दयालु है, वो तुम्हारी बीमारी को जरूर भगा देगा, क्योंकि वो सबको करुणा और दया देता है, सबको प्रेम देता है और सबकी रक्षा करता है। दीनानाथ जी पाटिल, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, तुम शिरडी में ही रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा साईं बाबा। सबका मालिक एक। अब किधर जाऊं, यहां तो दो रास्ते हैं, पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी, ऋषभ, रजिंदर, रामलाल जी, मैं जंगल में बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही? बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया, चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा, अरे अरे, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहां से जाते हुए देखा है? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। बोलो, आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल पिताजी, ऐसे आपने उन्हें देखा है? हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए हैं? हाँ। धन्यवाद धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं अपनी अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा।
ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा, जंदर, मनीषा, 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 क्यों अंधे को परेशान करते हो भैया? तेरे को खड्डे से निकालो भैया, तेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ। मनीषा, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र, मनीषा, अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा, सामने जा सामने। मनीषा, राजेंद्र चले गए, राजेंद्र, मनीषा, लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका, क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? मुझे कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भोंको। मारो से। जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा।
हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है?